गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की नज़र से। और आज है मंडे, जोशवा की छुट्टी है और यहाँ गणेश की बहुत लंबी छुट्टी हो जाती है, कम से कम 1 वीक तो होती ही है। तो जोशवा की है छुट्टी, उसके बाद हम आराम से आज उठे हैं और विंडो के पास बैठ के आराम से पानी पिया हमने। और एक गिलास पानी जब आराम से बैठ के पीते हैं तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। और फिर हम रूम में आ गए, जोशवा भी उठ चुका है, उसके पापा भी उठ गए हैं, तो अभी हम लगे हाथों बेड भी ठीक कर लेते हैं। और सुबह सुबह जब सारे साफ़ सफाई हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी। और महिमा भी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह ये सब वो कर रही है। और अब फिर हम किचन में आ गए हैं, यहाँ पानी उबलने के लिए हमने दाल चढ़ा दिया है और फिर हम यहाँ आलू उबलने के लिए भी कुकर में चढ़ा दिया है कुकर को। और यहाँ हमारा चाय भी बन रहा है और फिर हम करेंगे नाश्ते का तैयारी। और सबसे पहले हस्बैंड को ही बना के देंगे क्योंकि ये उन्हें काम रहता है, वो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं। हमने अंडे को डाल दिया है, उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट नमक को ऐड कर दिया है। और हम साथ में पैन भी चढ़ा दिए हैं। और फिर ब्रेड कुंडे में मिला के हम तल लेंगे। और पैन में हमने बटर डाल दिए थे, आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल के तल सकते हो, लेकिन बटर डालने से और ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और इसे पलट लेंगे। दे दिए हैं और हम जोशवा की भी नाश्ता खिला चुके हैं। उसके बाद फिर हम किचन में आए, हमारा आलू भी यहाँ उबल चुका है, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और आज हम बनाएंगे स्टफ़ कैप्सिकम, शिमला मिर्च स्टफ़। इसके लिए हमने आलू उबाला था। और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, और बहुत ज़्यादा उबालने से आलू के अंदर पानी चले जाते हैं, इसीलिए इतना उबालना है कि अच्छे से वो मैश हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें जीरा और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, वो हमने रोस्ट करके उसे पीसा था। और उसमें नमक और थोड़ा सा नींबू भी हमने डाल दिया है। और आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने प्याज नहीं डाला है इसमें। और साथ में धनिया पत्ती भी हमने डाल दिया है इसमें। और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और कैप्सिकम हमने कट करके रखा हुआ था, बीच से हम कट किए थे, एक ही साइड किए थे कट। और उसके अंदर हम अच्छे से जो हमने तैयार किए थे आलू को, उसे हम अच्छे से डाल देंगे। और इसे अच्छे से फील करने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और हमने कढ़ाई निकाल लिया है और गैस को भी ऑन कर दिया। इसे अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम सरसों तेल को डाल देंगे। हम सरसों तेल ही खाते हैं, आप जो भी तेल खाते हो उसमें आप इसे आराम से कर सकते हो।
और ये कैप्सिकम बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो ये बहुत ही जल्दी हो भी गया है इस साइड, तो हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और कैप्सिकम हमारा हो चुका है, तो हम दाल तड़का के लिए प्याज लहसुन अदरक ग्रीन चिली टमाटर हम कट कर लेंगे। और दाल पहले से हमने उबाल के रख लिया था, तो हमारा दाल उबल चुका है और इसमें हम तड़का लगाएंगे। और लहसुन अदरक ज़रूर डालें क्योंकि इससे और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी आप डाल सकते हो। ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा तीखा था इसलिए हमने दो ही डाले हैं। और पैन चढ़ाने के बाद हमने जीरा डाला, लहसुन अदरक मिर्चा जो हमने कट करके रखा था, और साथ में टमाटर भी डाल दिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने दिया है हमने। और एक तेज़पत्ता भी हमने डाला था, और फिर इसमें हमने उबला दाल को डाल दिया, उसे अच्छे से चला लिया। और फिर हम एक और तड़का इसमें लगाएंगे, इसमें बटर डाल दिया हमने कलछल में, और उसमें हींग और लाल रेड चिली, और ऊपर से हमने वो खड़ा मिर्च भी डाल दिया है रेड, और इससे ये और दुगुना इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो, हमने बटर डाला है। और इसे हम खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में। और फिर उसके बाद हमने ऊपर से इसमें डाल दिया है धनिया पत्ता, और यहाँ हम खीरा भी काट लेंगे। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और कमेंट से भी बताइएगा कि कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और लगे हाँ तो हमने किचन को भी क्लीन कर दिया है, और चावल भी चढ़ा दिया था हमने। और उसके बाद अभी हमको जोशवा को लेकर नीचे जाना है उसका हेयर कट करवाने के लिए, और दुकान दूर नहीं है, नीचे में ही है, फ्लैट के नीचे ही दुकान है। तो फिर हम वहाँ से आने के बाद जोशवा को नहलाए, खुद नहाए, और अभी हम किचन में जा रहे हैं लंच निकालने के लिए। और आज का हमारा लंच है राइस, दाल फ्राई, स्टफ़ कैप्सिकम और सैलड। फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।